किया है, मेडिकल कॉलेजेस को एसएमएस को फ्री कर दिया कोरोना फ्री, क्योंकि अन्य लोगों को मौका नहीं मिल रहा था। तो वहां पे स्पेशलाइज्ड एक साथ भीड़ बढ़ेगी, वहां एक साथ, वहां एशिया का सबसे बड़ा आउटडोर है, आपने एक बार खोल दिया एक बार में तो काबू के बाहर हो जाएगा आपका ये क्वारंटीन सारा का सारा, हजारों की भीड़। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इसको फेजेज में चालू करें, एसएमएस को, आप जो रिकमेंडेड केसेज हो हॉस्पिटल से, चाहे झुंझुनू से आ रहा हो या यहाँ के जयपुरिया से आ रहा हो, उनको फर्स्ट फेज में ले, और वो जो एसएमएस के अंदर अलग से जो आइसोलेशन वार्ड है और आपका जिसके अंदर ये चरक भवन है उसमें आइसोलेट रख दें, ताकि लोगों का भय। आज मुख्यमंत्री महोदय, डिलीवरी के लिए औरतें लाइन में लगी रहती, साधारण रोगी ऑपरेशन नहीं हो पा रहे, तो एसएमएस का करके आपने बहुत अच्छा किया, इसको कंसंट्रेट कर दें दो तीन जगह। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जिस तरह से, अब मैं पानी की बात करता हूं, हम आभारी हैं सारे झुंझुनू के, राजकुमार जी बैठे हैं, चंदेलिया साहब बैठे हैं, रीटा जी बैठी हैं, आपने हमको 955 करोड़ रुपए दिया, मंडावा आया, दोबारा आपने 138 करोड़ रुपए घर घर योजना के लिए रीटा जी को दिया, 109 करोड़ मुझे दिया, और आपने अलग से राजकुमार जी और हमारे चंदेलिया जी के लिए अलग से एक योजना जो बनी आपकी। तो मेरा आपसे आग्रह है कि उस योजना को, जो मैं जानता हूं फाइनेंशियल क्राइसिस है बहुत बड़ा, लेकिन फर्स्ट फेज में आपको पानी की व्यवस्था के बारे में विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप गौर करें। माननीय मुख्यमंत्री, लास्ट में सर मैं एक बार और बताना चाहूंगा, आपने पूरे भारत का भला कर दिया, जिस तरह से ये चाइनीज ने आपका रैपिड एक्शन किट दिया था, पूरे भारत को ही तो दुनिया को ही गर्त में डाल देता अगर उसके भरोसे रह जाते तो। आज चाइना का ये सब ने रिजेक्ट कर दिया, इट इज ए राजस्थान मॉडल ड्यू टू अशोक गहलोत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरे पास डॉक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन आया है, 2000 डॉक्टर क्यू में है, 500 पीजी में जा रहे हैं, आज नर्सेज डे है, आज आज नर्सेज डे है, और 1300 बैच की नर्स है, अब जो 2013 का बैच ड्यू है। माननीय राजकुमार जी तो कुल मंत्री रहे हैं इसके, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आज नर्सेज डे है, तो आप इसकी तरफ से, अपनी तरफ से कोई न कोई उनको इस तरह का दे नर्सेज को, अरे उन्होंने भी किया था उसके लिए। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये महाराष्ट्र से मेरे पास 2500 लोगों का लेटर आया हुआ है, महाराष्ट्र में शेखावाटी के झुंझुनू सीकर के बुरी तरह से बेचारे फंसे हुए हैं, वो उनका कहना है कि यहाँ एक भी पेशेंट नहीं है उनके जोन में, वो गांव में रहते हैं, तो इसलिए मेरा आग्रह है, अब मैं बधाई दूंगा आवागमन शुरू हो गया है, शुरू हो रही है, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। राजकुमार शर्मा जी।